हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मुझसे यहां पे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। जो भी सवाल पूछे गए थे, आपको सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। तो फिर यहाँ पे अब हम संडे कमेंट बॉक्स शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, Redmi 10 2022 स्लो चार्जिंग एंड स्लो डाउन लोड। तो यहाँ पे Redmi 10 2022 के लिए MIUI 14 यूरोप स्टेबल, चाइना स्टेबल दो रीजन्स में रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे यूरोप रीजन के लिए 14.0.3.0 का यूरोप स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट 3.2 GB के साइज़ में हो चुका है। अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस अपडेट को रीनेम ट्रिक 2.0 की हेल्प से यहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने रीनेम ट्रिक 2.0 वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर जा कर के चेकआउट कर लीजिए और फ्लैश कर लीजिए MIUI 14 का स्टेबल अपडेट Redmi 10 2022 में। तो इसी के साथ इसमें यह भी पूछा गया है कि स्लो चार्जिंग। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, MIUI 14 स्टेबल अपडेट के बाद आपको सिंपली एक बार अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। फैक्ट्री रीसेट करने से आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे इश्यूज अवेलेबल होंगे वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो अब इसी तो फिर अब यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, कितने दिन में आएगा Redmi 10 Prime में MIUI 14। तो यहाँ पे Redmi 10 Prime में यूरोप स्टेबल में MIUI 14 स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो फिर आपको वेट करना ही क्यों है, सिंपली यूरोप स्टेबल को रीनेम ट्रिक 2.0 से फ्लैश कर लीजिए। और जब भी ये अपडेट इंडिया में आएगा तो आप रीनेम ट्रिक 2.0 से वापस इंडिया में भी स्विच कर सकते हैं। तो सिंपली वेट मत कीजिए, अभी के अभी फ्लैश कर लीजिए। और Redmi 10 Prime इंडिया में ऑफिशियली की बात करें तो ऑफिशियली अपडेट आपको जुलाई से अगस्त के महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अगला सवाल, वॉइस चेंजर वॉज ऑफिशियली अवेलेबल इन Redmi Note 11T 5G फ्रॉम व्हेन आई बॉट द डिवाइस। तो यहाँ पे Redmi Note 11T, Redmi Note 10S यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइसेस भी थे जिनमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें वॉइस चेंजर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता था, लेकिन यहाँ पे वॉइस चेंजर का सपोर्ट उनमें देखने के लिए मिलता था, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर अपडेट्स के साथ वॉइस चेंजर को इन्होंने यहाँ पे परमानेंटली रिमूव कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया, इसकी कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर अब इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, इंडिया में कब तक आएगा Redmi Note 12 Pro Pro Plus में Android 13। तो यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Pro Plus में Android 13 चाइना में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, फीचर्स पे भी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, जा कर के चेकआउट कर लेना इस वाली वीडियो के लिंक मैंने दे दिया है, जा कर के चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे MI पायलट टेस्टर्स के लिए Android 13 Redmi Note 12 Pro Pro Plus में बेटा टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉइड 13 का चाइना स्टेबल अपडेट Redmi Note 12 Pro Pro Plus में। तो अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो आप रीनेम ट्रिक 2.0 से फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको चाइना से वापस ग्लोबल इंडिया में आना है तो आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए चाइना रोम का। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आप बाकी किसी भी रीजन में स्विच कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक की कोई भी नीड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इंडिया में ये अपडेट आपको जुलाई से अगस्त के महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, जब भी स्टेबल अपडेट रेडी होगा वीडियो क्रिएट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। तो इसके बाद अगला सवाल, यहाँ पे Redmi Note 12 Pro न्यू फीचर क्या क्या है, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो मैं यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फिर जा कर के चेकआउट कर लीजिए कि Redmi Note 12 Pro Pro Plus में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं Android 13 के अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में तो मेरा मतलब इस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा कर के चेकआउट कर ले ना। तो इसके साथ अगला सवाल, Redmi 10 Prime में रीनेम ट्रिक से इंडोनेशिया रोम फ्लैश करके दिखाओ। तो आप यहाँ पे खुद ही फ्लैश कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे फ्लैश करके दिखाने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिवाइस में इसको ट्राई कर चुका हूँ और ये वाली ट्रिक सिंगल पार्टीशन में वर्क नहीं करती, A/B पार्टीशन में वर्क करती है। और Redmi 10 Prime यहाँ पे A और B
दोनों पार्टीशन है, तो आप इसको ईजिली यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। तो इसके साथ अगला सवाल, Redmi Note 12 का क्या खबर है? तो Redmi Note 12 5G में ग्लोबल में यूरोप में MIUI 14 एंड्रॉयड 13 आ चुका है, इंडिया में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो सिंपली थोड़ा सा वेट और कीजिए। तो इसके साथ अगला सवाल, यहाँ पे Redmi Note 11 MIUI 14 इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है, तो इसी के साथ पूछा गया है Redmi Note 11 Pro Plus 5G में अपडेट कब तक आएगा? तो यहाँ पे Redmi Note 11 Pro Plus 5G में यूरोप स्टेबल में MIUI 14 यूरोप स्टेबल अपडेट 14.0.1.0 में बेटा टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, जाकर के चेकआउट कर लेना, वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये अपडेट अभी केवल बेटा टेस्टर्स में ही रिलीज़ किया गया है।